रुको 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 लाल जी, गाड़ी रुकी है। हाँ अरे ओ भैया, हाँ ये मिस्टर वालके कहाँ रहते हैं? मिस्टर वालके? हाँ अरे मीनाक्षी दाई, मीनाक्षी दाई का घर कहाँ है? मीनाक्षी दाई तो ऐसा बोलो ना, आगे से दाएं मुड़ जाना, बस वही है। वहां ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लाल जी लीजिए आगे गली में, सीधा सीधा लीजिए फटाफट। अब दाएं लीजिए, दाएं लीजिए, यहां से रोक दीजिए वहां पेड़ के नीचे, लगता है पहुंच गए। यही घर लगता है। नमस्कार, हम लोग पीएमओ से आए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं हम। ये मीनाक्षी जी का घर यही है? जी यही घर है। जरूरी सामान हमारा है उनके पास लेना है, भेजिए उन्हें, बुलाइए। जी अभी बुलाता हूँ। नमस्ते, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं, वो कुछ सामान आपके पास पड़ा है शायद, उसी को लाने के लिए भेजा गया है हमें, दे दीजिए, निकलना है हमें। ओह तो आप प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं, प्रधानमंत्री जी की सभी राखियां वहां पड़ी हैं, अभी कुछ सामान बाकी है पैक होने में, तब तक आइए आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। एक मिनट, ये राखियों को लाने के लिए हमें भेजा है? ठीक, पैक करवाइए, आरती भी देख ही लेते हैं। आइए तरंग बाबू। सब आप सब महिलाओं ने बनाया है? नहीं, मीनाक्षी ताई ने बनाया है। मीनाक्षी जी माफी चाहूंगा, पर मैं शायद आपको ठीक से समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि इतना छोटा सा गांव है, यहाँ क्या ही होगा, लेकिन ये सब खूबसूरत चीजें आपने अपने हाथों से बनाई है, वाह! मगर कैसे संभव हुआ ये सब? आपने ये सब घर गृहस्थी के कामों में रोज सवाल आते थे कि आज क्या बना है, एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, बस ये कारवां चलता गया और ये सारी चीजें हो गई। बहुत ही खूबसूरत है ये सब। आइए आरती कर लीजिए। हाँ चलिए।